आपने हमें ढूंढा कैसे बालाजी? आपको हमने नहीं, हमारी जरूरत ने ढूंढा है बालाजी भट्ट। सुना चिपलून छूट गया, कामकाज भी नहीं रहा होगा। होए, हमारे लिए काम करेंगे? हम तो स्वयं आपके पास काम की तलाश में आने वाले थे। सांगा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम सारा कारकुनी काम जानते हैं, कहीं भी कलम चला सकते हैं। हम मुंशी को नहीं, सिपाही को लेने आए हैं। सिपाही हम थे, अब नहीं है। अब हम रक्त नहीं, स्याही फैलाते हैं। तलवार स्याही में डूबे अच्छा नहीं लगता। खून में डूबना तलवार की फितरत भी है और उसकी तकदीर भी। आप अपनी फितरत बदल सकते हैं, पर अपनी तकदीर नहीं बदल सकते बालाजी। सांगा बालाजी, काय विचार है? हम जानते हैं हम आपको आसमान में सुराख करने के लिए बोल रहे हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि इतना ऊंचा पत्थर सिर्फ आप ही फेंक सकते हैं। पेश किए, काम होने के बाद इसका दुगना और मिलेगा। आप हमसे हमारी जान दांव पर लगाने के लिए कह रहे हैं, पराई चीज बिना पूछे दांव पर कैसे लगाए दादाजी? पराई चीज मंजे, हमारी जान पर किसी और का अधिकार है। हां बोलने से पहले उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। कैसे मर्द हैं? थाना जी आपको इतिहास बनाने का मौका दे रहे हैं और आपको एक औरत की इजाजत चाहिए। यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है देवता वहीं बसते हैं। जिस नारी को हमारे शास्त्रों में इतना सम्मान दिया गया है, उस नारी को, उस पत्नी को अमीन समझते हैं। नारी दासी नहीं होती, साझेदार होती है। अपने जीवन के व्यापार में से अपनी आधी पूंजी दांव पर लगाने जा रहे हैं, तो साझेदार से तो पूछना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे बालाजी, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और वादा करते हैं अगर उन्होंने मना किया तो हम उल्टे पैर लौट जाएंगे। मातृभूमि अपने बेटों से खून मांगती है और बेटियों से बलिदान। गरम है, अब इतिहास ने स्वयं आपको चुना है तो हम दोनों आपको इतिहास बनाने से नहीं रोकेंगे। काय साला, आप ठीक है सरकार? इन्होंने लात मारी, मतलब इनकी भी हाँ है। कब जाना है? अभी पता। अच्छा,
चला चला। हो वादा कीजिए हम दोनों से आप लौट कर आएंगे दया वचन। सरकार अगर हमारा सर कट भी गया ना तो भी अपना सर अपने हाथों में लेकर आएंगे। सिपाही को युद्ध में दूसरों से घृणा नहीं अपनों से प्रेम ले जाता है। हम जो करने जा रहे हैं उस पर हमारी होने वाली संतान का भविष्य टिका है और उसके भविष्य के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम लौट कर जरूर आएंगे वादा रहा। रानी साहब पंत प्रतिनिधि के तौर पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बोला तिमाजी रघुनाथ। यदि महादेव की कृपा से साहू जी महाराज जीवित लौट आए तो क्या आप शिवाराजे को सिंहासन पे बिठाने का अपना निर्णय बदल देंगी? एक निर्णय हम अभी बदल रहे हैं आपको पंत प्रतिनिधि बनाने का। जो राजा सामने हो और आपके मन में अगर किसी और का विचार आता है ऐसे व्यक्ति को पंत प्रतिनिधि नहीं रहना चाहिए। आपकी जगह परशुराम त्र्यंबक आप पंत प्रतिनिधि का दायित्व संभालेंगे। पर ये निर्णय सही नहीं है। हम सही निर्णय नहीं लेते। हम पहले निर्णय लेते हैं फिर उसको सही बनाते हैं। आपकी सेवाओं के लिए धन्यवाद। आप जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती रानी साहब। तरह बिना आज्ञा दरबार में प्रवेश करने के लिए क्षमा चाहता हूं रानी साहब पर आपातकाल में औपचारिकताएं नहीं निभाई जाती। पर शिष्टाचार हर काल में निभाया जाता है क्योंकि शिष्टाचार कोई औपचारिकता नहीं है अनिवार्यता है। रामचंद्र बावड़ेकर जी परशुराम त्र्यंबक जी आज से पहले आपकी आवाज इतनी ऊंची नहीं थी। ऊंची पदवी मिलते ही आपकी आवाज ऊंची हो गई है। पर स्मरण रहे दरबार में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और आपको पंत प्रतिनिधि बनाने में मेरी सहमति नहीं ली गई थी। कृपया
करके मुझे रानी साहिब से बात कर लेने दीजिए। रामचंद्र बाबू, इन्हें बोलने दीजिए। परशुराम जी, रामचंद्र जी हमारे सबसे बड़े सरदार हैं, इन्हें अपने विचार यहाँ कहने का पूरा अधिकार है और हम इनके विचार सुनना चाहते हैं। वैसे भी हम आजकल ऐसे लोगों से घिरे हैं जो समझते हैं कि वो राज्य हमसे बेहतर करना जानते हैं। मैं तो मात्र ये कहना चाहता था कि इस समय दरबार में धनाजी सहित कई बड़े सरदार उपस्थित नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में इतना बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं है। धनाजी पहले ही किसी को शाहू जी के जीवित होने का प्रमाण लाने के लिए चुन चुके हैं। ऐसे में कम से कम हम प्रमाण की प्रतीक्षा तो कर ही सकते हैं। मैं भी इनसे सहमत हूँ, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप तो प्रतीक्षा कर लेंगे शंकर मल्हार जी, लेकिन खाली सिंहासन देखकर आक्रमण करने से पहले औरंगजेब प्रतीक्षा करेगा? आज से आप पंत सचिव नहीं रहे। मैं समझ जाता हूँ रानी साहब, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपना पक्ष दे रहा था। आप अपना नहीं, हमारा पक्ष रख रहे थे। आपने ये सिद्ध कर दिया कि शाहू जी जीवित भी हो तो हम उनसे कोई आशा नहीं रख सकते, हो ना? हमने शंकर मल्हार जी पर जरा सा दबाव डाला तो अपनी पदवी बचाने के लिए ये बदल गए। जरा सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए औरंगजेब के दबाव में आकर शाहू जी बदल नहीं गए होंगे? कौन जानता है कि शाहू जी और येसु बाई किस तरह का जीवन जी रहे होंगे? क्या उनके आदर्श और जीवन मूल्य अभी भी वही होंगे जो पहले थे? कोई नहीं जानता। व्यक्तिगत रूप से हम भी शाहू जी की सकुशल वापसी की कामना करते हैं, लेकिन शाहू जी से भी बढ़कर हमारे लिए सिंहासन है और हम सिंहासन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहते जिसकी सिंहासन के प्रति निष्ठा में हमें लेश मात्र भी संदेह हो। और जो इस सिंहासन का सम्मान नहीं कर सकते उनके लिए बाहर के दरवाजे खुले हैं। मराठियों के वर्तमान को समझे बिना उनके भविष्य का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। हम समझे नहीं। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए दो बातों की पुष्टि करनी होगी। पहली, औरंगजेब के खेमे में इतने साल कैद रहने के बाद भी शाहू जी जीवित हैं या नहीं, और अगर वो जीवित हैं तो क्या वो वास्तविक शाहू जी हैं या फिर कोई बहरूपिया? तो इतने वर्षों में ये जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया? प्रयास तो किया, पर सफल प्रयास? हालांकि मुगलों के खेमे में हमारा एक गुप्तचर है, विटोजी चौहान। वो कई महीनों से उनके अस्तबल में काम कर रहा है, पर शाहू जी के वहां होने का प्रमाण वो भी नहीं ला पाया। अब वो आपकी मुगल छावनी में घुसने में सहायता करेगा और वो खेमा भी दिखाएगा जहां शाहू जी के होने का संदेह है। फिर आप अकेले होंगे। बस इतनी सी योजना है। और वो ये कैसी योजना है मुगल खेमे में घुसने की? इसीलिए हमने आपको याद किया। हमें याद है आपकी बुद्धि कितनी तीव्र चलती है, पर हमें यह भी मालूम है आपकी बुद्धि आज भी उतनी तीव्र और तीक्ष्ण है जितनी पहले हुआ करती थी। अब जानना यह है कि आपका साहस बुढ़ा तो नहीं हुआ?
लाला जी, आपको डर तो नहीं लग रहा इस अभियान में आप अकेले होंगे? हो, डर तो लग रहा है। धना जी, योद्धा को थोड़ा सा डर लगना चाहिए। डर के होने का मतलब ये नहीं है कि साहस नहीं है। साहस शत्रु के प्राण लेता है और डर अपने प्राण बचाता है। बाजी मर के नहीं, जीवित रह के जीती जाती है। अल सुल्तान, अल आजम, अल खकन, अल मुकर्रम, हजरत अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर, बादशाह गाजी, शहंशाह सल्तनत उल हिंदिया वल मुगलिया। बस बात क्या है शाहू जी? आज आपके मरहूम चाचा साहेब राजा राम जी की 13वीं है, इसलिए बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। हुजूर, अखिया आइए। शाहू जी साहेब आइए। आपने भले ही हमें हमेशा दुश्मन समझा, पर बाखुदा हमने आपको हमेशा अपना समझा है और अपनों से प्यार जताया जाता है, दुश्मनी नहीं। सारा शिखो और मुराद भी तो बादशाह सलामत के अपने ही थे। हुजूर ने उनसे कैसे प्यार जताया ये तो सारी दुनिया जानती है। शाहू जी का गुस्सा बड़ा तेज है मगर जचता है। मराठियों पे गुस्सा जचता है। आपके चचा मरहूम राजा राम साहेब के इंतकाल का हमें बेहद अफसोस है। उनकी 13वीं की रस्म मनाने की इजाजत हम आपको दे रहे हैं। बैठिए। कमरुद्दीन, हुजूर, शेर को घास खाते हुए तो देखा ही होगा, आज घास परोसते हुए भी देख लो। बादशाह सलामत, इस मेहरबानी का शुक्रिया। पर हम आज भी वही कच्चा खाना खाएंगे जो पिछले 11 बरस से सभी कैदियों की तरह खा रहे हैं। हम अपने लिए कोई रियायत नहीं चाहते। हमसे इतनी नाराजगी? क्यों शाहू जी, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि हमने आपको और आपकी वालिदा को वो सहूलियत और इज्जत बख्शी है जिसके आप हकदार हैं। आप भले ही खुद को कैदी समझते हो, हमने आपको हमेशा मेहमान समझा है, फिर भी इतनी बेरुखी, इतनी नफरत, किस बात की कमी है यहां पर आपको शाहू जी? आजादी की। पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो बादशाह सलामत, होता पिंजरा ही है। हम और आई साहेब इस पिंजरे में बंद हैं परिंदे की तरह, और परिंदों और सयाद के बीच बस एक ही रिश्ता होता है, नफरत का। Thank you.
से गरज है, पीजिए। 11 बरसों तक आपको जिंदा रखा है तो आज ही आपका कत्ल क्यों करेंगे? पीजिए। जहर नहीं है, धतूरे का बीज है। मरेंगे नहीं, कुछ वक्त इस हाल में रहेंगे बस। क्या है कि खबर आई है, मराठी आपको यहां से भगाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस हाल में रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। खूंखार कदम सारे दम दब तबरे शहंशाहे मुगल, खूंखार कदम सारे दम दब तबरे शहंशाहे मुगल, खूंखार कदम सारे दम दब तबरे शहंशाहे मुगल। अब देखते हैं मराठियों में ऐसा कौन सा जियाला है जो शेर की मांग में आने की हिम्मत रखता हो। उसी तंबू में शाहूजी होंगे। ताड़ बराबर काम करने के लिए तिल बराबर मौके की जरूरत होती है, और हमारे लिए तिल बराबर मौका शाहूजी के तंबू का ही अकेले बिना सुरक्षा के होना ही है। एक बार फिर सोचिए बालाजी, क्या सचमुच आप एक कार्य करना चाहते हैं? कर्तव्य निभाते हुए ये नहीं सोचा जाता कि हमें क्या चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मातृभूमि क्या चाहती है। ये प्रश्न हमारे मन में भी आया था विटो जी, कि शाहो जी मुगलों के विशेष बंदी हैं तो उनके तंबू के बाहर कड़ा पहरा होना चाहिए, आने वाले एक सिपाही तक नहीं है। ऐसा कहते हैं सबसे कीमती चीज को दुनिया से छिपाने के लिए इस तरह रखा जाता है जैसे कि उसकी कोई कीमत ही ना हो। लोग समझ नहीं पाते। और औरंगजेब के खेमे में लोग कहते हैं कि शाहो जी पर जिन्नात का पहरा है, इसलिए कोई उनके बारे में कोई सूचना लेकर जीवित नहीं लौट पाया। हमें लगता है उस तंबू में भी कोई नहीं रहता, वो सिर्फ एक जाल है आप जैसों को फंसाने के लिए। ये तो जाल में फंसकर ही पता चलेगा कि वो जाल है भी या नहीं। मतलब जाल को काटने के लिए कई बार जाल में फंसना ही पड़ता है। अब जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत रखिए, आपके आई साहब आपके साथ ही हैं। शांत रहा शाहूरा जी, आप योद्धा शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के वंशज हैं, आपको कुछ नहीं होगा। विश्वास ठेवा शाहूरा जी, हम विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें। शांत रहा, हम अभी औषधि लेके आते हैं। We'll be right back.
उस लाल पत्थर बतौर निशान थे। खुशकिस्मती से तुम्हारा पैर उस निशान पर पड़ा, तुम बचे। शाहू जी को देख तो लिया, पर वापसी में इस बार तुम्हारा पैर थोड़ा दगा दे गया, और इस बार अनजाने में तुम बचे नहीं। इसलिए और कमरुद्दीन का बिछाया हुआ जाल तुम्हारे सामने है। शाहू जी को बचाने मराठियों ने तीर तो मारा मगर लकड़ी का। उड़ना सीखा है कि नहीं। अगर यही हाल रहा तो पता नहीं कौन लहराएगा मराठी परचम।